फास्ट चार्जर का यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? काफी लोगों की कमेंट भी ऐसी आती है कि मेरे पास नॉर्मल मोबाइल फोन है और उसमें फास्ट चार्जर मुझे लगाना है, तो फास्ट चार्जर का यूज कर सकता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? रिपेयरिंग वाला आज आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि आप फास्ट चार्जर अपने मोबाइल फोन में यूज कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, तो यूज अगर करते हैं तो मोबाइल फोन में किस तरह की दिक्कतें आएंगी, फिर आप कैसे पहचान जाओगे कि आपके फोन में दिक्कत आ रही है फास्ट चार्जर की वजह से आ रही है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, यूजर KC8BU6, इस यूजर आईडी से एक कमेंट आ रही है, भाई साइंस का 10th का 20 नंबर वाला पेपर है, सुबह से पहले वीडियो बनाए। भाई ये जोड़े मैंने लंबे लंबे अमिताभ बच्चन वाले हाथ, भाई मेरी वीडियो मत देखा करो, आप पढ़ाई करो, आपकी 10th क्लास है भाई, 10th क्लास में आप इन चक्रों में कहां पड़ गए ये वीडियोस देखने के चक्कर में। मैं तो कह रहा हूं आपके पास फोन होना भी नहीं चाहिए, और फोन अगर है आपके पास अपनी पढ़ाई के रिलेटेड आप वीडियोस देखिए, आप इन टेक वीडियो के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद ना करें। कि हम तो देखो जो मार्केट में चल रहा है मैं आपको वो बता सकता हूं, बाकी मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। आप किसी अच्छे से टीचर से नॉलेज लीजिए अपने बारे में। कहते हैं ना, पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बंदे जाओगे आने वाले टाइम में, ना टेक की नॉलेज के लायक रहोगे ना किसी भी लायक रहोगे। पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? इन वीडियोस को मत देखो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका भी 10th का एग्जाम है, आप अभी छोटे हो, अभी आपके समझ में इतनी बातें नहीं आ पाएंगी, एग्जाम क्लियर कर लो उसके बाद देख लेना, ठीक है? बाकी बुरा लग गया हो तो भाई फिर से हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है? मगर अभी पढ़ाई करो आप अपनी। वाला सिर्फ पढ़ने वालों की इज्जत करता है, अनपढ़ की कोई इज्जत नहीं करता, ये ध्यान रखना दोस्तों। आप कोशिश करना वीडियो अभी स्किप करो कुछ दिनों तक, जब तक आपके एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है? बैक टू द पॉइंट दोस्तों, फास्ट चार्जर का यूज मत करना अगर आपका फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है तो। पहचान आपको बता देता हूँ, आपने चार्जर लगा दिया बिजली में, उसके बाद डाटा केबल अपने मोबाइल फोन में लगा दी, 5-10 मिनट बाद देखना आपका अडेप्टर गर्म हो रहा है। चार्जर का यूज मत करना, आपका मोबाइल फोन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो बैक वोल्टेज मार रहा है, उसकी वजह से वो चार्जर आपका गर्म हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपके मोबाइल फोन का चार्जिंग जैक वो भी गर्म हो जाएगा भाई, और वो गर्म होगा तो आपके फोन की डिस्प्ले भी खराब हो सकती है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी क्योंकि मैं रिपेयर वाला हूँ, इसलिए बता पा रहा हूँ इस बात को। नीचे से चार्जिंग जैक गर्म होता है ना भाई, तो इसके ऊपर ही डिस्प्ले का पत्ता भी होता है, ठीक है? तो वो गर्म होगा डिस्प्ले पे, या तो लाइन आ जाएगी लंबी लंबी, ग्रीन लाइन आ जाएगी, या फिर व्हाइट लाइन आ जाएगी, या फिर ब्लैक लाइन, या फिर येलो लाइन, किसी भी तरीके की लाइन आ जाएगी, मगर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आपके लिए। फास्ट चार्जर का यूज तभी करना जब आपका फोन सपोर्ट करता हो। दूसरा आपको बताता हूँ मार्केट से आपको कैसे खरीदना है चार्जर। कई बार ऐसा होता है दुकान पे जाने के बाद बंदा बोलता है भैया फास्ट चार्जर दे दो, चाहे उसका फोन सपोर्ट ना कर रहा हो, क्योंकि भैया हम दुकान पे बैठते हैं ऐसे कस्टमर आते रहते हैं, तो हमें उनको समझाना पड़ता है भैया आपका फोन कौन सा है। वो कहता है भैया वीवो Y12, तो फिर हम उनको बताते हैं कि भैया Y12 में तो सपोर्टेड है ही नहीं फास्ट चार्जिंग, तो वो कहता है भैया जल्दी चार्ज हो जाए ना, कोई ऐसा चार्जर दे दो 20 वाट 30 वाट इतने का दे दो। मेरे मन में देखो लालच होगा ना, तो मैं उसको बोल दूंगा कि हाँ ठीक है भाई 20 वाट वाला चार्जर ले ले है 500 रुपए का, तो बंदा खरीद लेगा, मगर इससे क्या होगा, उस बंदे का नुकसान हो जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा। कुछ दुकान वाले ऐसे भी होते हैं भाई 20 वाट का चार्जर पकड़ा देते हैं बंदे को, लो भाई तुम्हारा फास्ट चार्ज हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, जब उसके पास चार्जर लेकर जाओगे भैया इसने तो ये फूंक दिया, तो उसके बाद कहेगा भाई तुम नहीं मांगा था फास्ट चार्जर, मैंने थोड़ी कहा था तुम ले लो, तो ऐसे ऐसे दुकान वालों के जवाब होते हैं। और एक बात, अगर आपके फोन का चार्जर खराब हो जाए तो आप दुकान पर लेने जाओ तो आप अपने मोबाइल फोन मॉडल नंबर गूगल पर डाल के चेक कर लीजिए इसके साथ कितने वाट का चार्जर सपोर्टेड रहेगा, ठीक है? ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है। पास जाएगा दुकान वाला कहने की कोशिश करेगा जिसमें उसको सबसे ज्यादा पैसे बचेंगे, चाहे वो लोकली क्यों ना हो, ठीक है? चार्जर के बारे में एक चीज ध्यान रखना, कभी भी चार्जर आपको दुकान पर ओरिजिनल नहीं मिल सकता दुकान पर, ठीक है? आपको मिलेगा सिर्फ सर्विस सेंटर में या फिर उसके थोड़ा ही स्टोर पे मिलेगा। आपको लोकल दुकानों पे ना, छोटी मोटी दुकानों पे ये रखते तो है वीवो लिखा होता, ओप्पो लिखा होता, जैसे कि ये चार्जर मैं दिखाऊं आपको, इस पे वीवो लिखा है ना, सेम ऐसा ही चार्जर, इसी डिजाइन का और इसी प्रिंट का चार्जर आपको आराम से मिल जाएगा मार्केट में। ये 50-50 रुपए के चार्जर होते हैं, दुकान वाले लेकर आ जाते हैं और ओरिजिनल कह के 600-600 रुपए में बेच देते हैं। मैंने खूब देखा बंदों को ये बेचते हुए। अब आते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। मान लीजिए आपने चार्जर खरीद लिया, कई बार ऐसा होता है दुकान पर आप चार्जर लेके गए, भैया मैंने तो फास्ट चार्जर लिया था यार, स्लो हो रहा चार्ज। दुकान वाला क्या कहेगा, भैया तुम्हारे चार्जिंग जैक में दिक्कत है, वो तुम्हारे बेकार के पैसे ठुकवा देगा चार्जिंग जैक में। उनका आप कहोगे ठीक है भैया ठीक कर दो, 300 रुपए और मार लेगा और वो चार्जिंग जैक आपका करके और दूसरा चार्जर पकड़ा देगा, फिर आपको बताएगा नहीं और वो क्या झोलझाल करने वाला चार्जिंग जैक में। तो आज की वीडियो में हमने ये जान लिया कि फास्ट चार्जर कभी भी नॉर्मल फोन को फास्ट चार्ज नहीं कर सकता। ये अगर आपके पास एक नॉर्मल फोन है और आप ये सोच रहे हैं कि उसमें फास्ट चार्जर लेके फास्ट चार्जिंग होने लग जाएगा, भाई ऐसा नहीं होता है। कंपनी वालों ने वो पार्ट्स उसके अंदर लगाए नहीं है फास्ट चार्जिंग वाले, तो वो फास्ट चार्जिंग कैसे कर देगा, तो वो स्लो ही चार्ज करेगा। फिर आप सोचोगे फोन के अंदर कोई दिक्कत है, फोन के अंदर दिक्कत नहीं होती, आप उसके मुताबिक ही अपना चार्जर ले। अगर 10 वाट का सपोर्ट करता है तो 10 का ही ले लें, 20 का करता है तो 20 का ही ले लें। मैं देखता हूँ कई बंदों को भाई 33 वोट का चार्जर ले घूमते, कहते भैया मैंने तो यार 33 वोट का भी ले रखा। आप सुन लीजिए मोबाइल रिपेयर वाले के मुंह से कुछ टिप्स। भाई बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, बैटरी जल्दी डाउन होने लगती है। ये प्रॉब्लम पता क्यों आती है, जब फास्ट चार्जर का यूज करते हैं हम अपने मोबाइल फोन में। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।